दोस्तों यूपी SSSC वीडियो री एग्ज़ाम के संदर्भ में एक बड़ी अपडेट आ रही है। आप देख पा रहे हैं आपके बीच में कहा जा रहा है चार पालियों में कल के डेट से संपन्न होगी आपके वीडियो के री एग्ज़ाम की परीक्षाएं। बिल्कुल अगर देखा जाए इस भर्ती परीक्षा में जो वीडियो री एग्ज़ाम की परीक्षा आपके बीच में कल से संपन्न होने जा रही है इसमें लगभग 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो यह जो भर्ती परीक्षा आपकी है यह री एग्ज़ाम यानी दोबारा से यह परीक्षा कराई जा रही है और यूपी SSSC को एक बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा को वो किस प्रकार से जो है निपटाते हैं। आप देख पा रहे हैं अगर हम बात करें यूपी SSSC के जो चेयरमैन हैं उनकी लगातार बड़ी बैठक जारी है। आप देख पा रहे हैं यूपी पुलिस व एसटीएफ की रहेगी नज़र। यूपी SSSC सचिव ने उच्च अधिकारियों के साथ किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यूपी पुलिस का ट्विटर भी जारी हुआ। आप देख और आपके कॉमेंट आ रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग से हम कैसे बचेंगे। बिल्कुल आपको पता है जो है आपके प्रत्येक क्वेश्चन दो नंबर के होंगे। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके सही वाले में से एक नंबर काट लिया जाएगा यानी 50-50% के चांसेस हैं। अगर कहा जाए जो है अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं, मैंने आपसे जैसा कि बता ही दिया एक क्वेश्चन सही करते हैं तो अगर आप अगला क्वेश्चन गलत कर देते हैं उसमें एक नंबर आपका सही वाला कट जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं और आप सेफ स्कोर को पूछ रहे थे कि आखिरकार इस भर्ती परीक्षा में हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो फाइनली इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन आप सभी से करूंगा कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में चलिए हम एक पेपर कटिंग को दिखाना चाहेंगे। इधर आप देख पा रहे हैं आपके बीच में पेपर कटिंग लगी है, सबसे ऊपर वीडियो की पुनर्परीक्षा कर कल जो है लगाई गई एसटीएफ। यहां देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सम्मिलित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व समाज कल्याण पर्यवेक्षक सामान्य प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 की पुनर्परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को शाम डीजीपी विनय कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद व आयोग के चेयरमैन जो है प्रवीर कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परीक्षा की तैयारियों पर चर्चा किया और आगे कहा जा रहा है निर्देश दिया कि रेलवे स्टेशनों से लेकर बस अड्डों पर विशेष नज़र रखी जाए, होटलों में भोजन व नाश्ते आदि ज़्यादा दाम न लिए जाएं, यह कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है। और आगे कहा जा रहा है इस पर एक विशेष ध्यान रहे और परीक्षा केंद्रों पर पेयजल की व्यवस्था की जाए। गड़बड़ी के चलते 2018 में परीक्षा रद्द हो गई थी, अब यह परीक्षा 26-27 जून को चार पालियों में होगी। सुबह की पाली ये चीज़ें आपको पता है और यहाँ देख पा रहे हैं आपको कहां क्या ले जाना है, इन चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। परीक्षा कक्ष में कोई भी डिवाइस नहीं ले जा सकेंगे, यहां तक कि सामान्य कलाई की घड़ी भी परीक्षा में नहीं ले जा सकेंगे। बाली पेंडल कड़ा अभी पहनकर नहीं जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति लगेगी, इस तरह से थंब पंचिंग फेस रिकॉग्निशन से उपस्थिति देखी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रभारी DM गौरव कुमार, पुलिस आयुक्त जो है रमित शर्मा, अपर पुलिस आयुक्त पवन कुमार, DCP नगर दीपक सिंह, मजिस्ट्रेट सत्यप्रीत सिंह मौजूद रहे, ठीक है। आपने यहाँ देखा और आगे कहा जा रहा है देखिए कि 100 अतिरिक्त बसें व मेमू भी चलेंगी। इन चीज़ों को आपको पता है, इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी कहा जाए आपकी यात्रा व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इधर आप देख पा रहे हैं आपके बीच में एक ट्विटर कैंपेन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा दिनांक 26-27 को आयोजित होने वाली परीक्षा सकुशल एवं सुचारू रूप से संपन्न किए जाने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है संबंधित जनपद में अधिकारियों से वार्ता कर उचित दिशा निर्देश दिए हैं। ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी है। और आगे कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ में 26-27 जून को आयोजित उन्होंने लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न कराने जाने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता कर संबंधित जनपदों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन कौन मौजूद रहा, इन चीज़ों को हमने आपके बीच में पहले ही बता दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं। जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में श्री प्रवीर कुमार जो है चेयरमैन उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के साथ जो है और भी अन्य अधिकारी मौजूद रहे, ये चीज़ों को आप देख पा रहे हैं। सवाल कई तरह के उठते हैं कि आखिरकार जो है हम निगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे। मैंने आपसे कहा है एक सही पर यानी कहा जाए आपके एक गलत पर आपका दो नंबर का क्वेश्चन है, आपको पता है, ठीक है।
तो दो नंबर के क्वेश्चन में अगर आप अगला एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो भैया एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसी वजह से आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ कदम भी नहीं रखना है, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आप अगर मानकर चल रहे हैं, मैंने कहा आपसे अगर आप 70 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, ठीक है, 70 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, उनमें से आप अगर 10 क्वेश्चन भी गलत कर दे रहे हैं तो आपका 10 नंबर साफ तौर पर लेस हो जाएगा। इस वजह से मैं कतई यह आपसे कहूँगा कि स्पष्ट तौर पर आप देख पा रहे हैं 10 नंबर तो वैसे भी जाएगा, 10 नंबर सही वाला आपका, यानी कहा जाए आपका भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से कतई आप जो है गलत मत करके आइएगा। कुछ लोग होते हैं गेस कर लेते हैं कि हाँ ये वाला ऑप्शन सही होगा। जब तक आप किसी भी क्वेश्चन पर 100% अपने आप को कन्फर्म नहीं हो जाते तब तक आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाएंगे। बाकी अदरवाइज आपकी इच्छाएं हैं, एग्जाम आपका है, परीक्षा आपकी है, करना आपको है, सब कुछ करना है। फिलहाल के लिए अगर जो है बाकी आप नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान को इसमें समझ पाए हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि नहीं जाएंगे। यहाँ सेफ स्कोर क्या रहेगा, सेफ स्कोर पर हम कल के बाद आपके बीच में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आज इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।